दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट कल्पना झा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर झा एंड मिसेज झा। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कोकोनट पेरा। यह कोकोनट पेरा हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बिना गैस जलाए बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यह कोकोनट पेरा हम कैसे तैयार करते हैं चलिए देखते हैं। हमने सबसे पहले एक कटोरी मिल्क पाउडर लिया है और उसी कटोरी से हमने एक कटोरी तक कोकोनट पाउडर डाला है और शक्कर को हमने मिक्सर में पीस लिया था वह डाल दिया है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। हमारा जो कोकोनट है वह और मिल्क पाउडर ज़्यादा दूध नहीं ले पाएगा, तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा चम्मच से दूध डाल रहे हैं और इसे हम चम्मच की सहायता से ही मिक्स कर रहे हैं। अगर इसमें हम ज़्यादा दूध डाल देंगे तो हमारा जो मिश्रण है वह गीला सा हो जाएगा और हमें गीला नहीं तैयार करना है। इसे हमें थोड़ा सा कड़क रखना है और इसमें अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर डाल सकते हैं। इसमें इलायची पाउडर का जो फ्लेवर रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। अब इसका डो जो है वह तैयार हो गया है, तो हम आप देख सकते हैं इसको हमने दो हिस्से में बांट लिया है। कोकोनट का हम पेरा तैयार कर रहे हैं, तो आप चाहें तो एक कलर से भी बना सकते हैं। हम इसमें दो कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा जो फूड कलर आता है हमने ग्रीन कलर डाला है, आप कोई भी कलर डाल सकते हैं। और उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें अभी दूध नहीं डालना है, अगर हम दूध डालेंगे तो यह जो हमारा मिश्रण है वह गीला सा हो जाएगा। हमारा दोनों मिश्रण तैयार है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा व्हाइट वाला है हम वह ले लेंगे और चाहे तो आप बटर पेपर पे भी बना सकते हैं, चाहे तो आप थैली पे भी बना सकते हैं। यह हम बटर पेपर पे इसे बेल रहे हैं और आप देख सकते हैं यह थोड़ा सा करक हमने इसका डो तैयार ही किया था। उससे क्या होगा, यह हमारा पेरा जो है वह बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर हम इसे गीला कर देंगे तो यह सब हाथ में ही चिपक जाएगा। और इसे हम दोनों साइड से बेल लेंगे और बेलने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा बटर पेपर है उसे हम एक के ऊपर पलटी कर देंगे तो हमारा जो दोनों कलर है वह एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। और इसके बाद हम हाथ की सहायता से इसे जो छोटा बड़ा है उसे हम सही कर लेंगे। और चाहे तो आप एक बार बेलन से चला लीजिए, नहीं तो इसे हम बेलन नहीं भी चलाएंगे क्योंकि इसे हमें फोल्ड करना है। इसे हम फोल्ड कर लेंगे तो क्या होगा, हमारा दोनों ही कलर जो है वह अच्छे से बैठ जाएगा। और उसके बाद इसे हम एक घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। एक घंटे बाद हमारा कोकोनट पेरा तैयार है। अब आप देख सकते हैं इसकी हम पीस कट कर रहे हैं, तो यह कोकोनट पेरा हमने कितने आसान तरीके से तैयार किया है। आपको हमारा यह कोकोनट पेरा की रेसिपी कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह कोकोनट पेरा ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।